ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 11 मई 2019 शनिवार का दिन है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र तथा कर्क राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन खास बात यह रहेगी कि इस दिन पुष्य नक्षत्र और शनिवार का दिन है, तो शनि पुष्य नामक एक संयोग निर्मित होगा और इस संयोग में सभी प्रकार के शुभ मांगलिक या स्थायी कार्य आप कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए वीडियो प्रस्तुत किया है जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र महासंयोग। उसको आप देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें इस दिन, तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मेष राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, मंगल मिथुन राशि में, बुध मेष राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन, इन 7 राशि वालों का दिन सबसे अच्छा रहेगा। ये 7 राशियां लकी राशियां रहेगी। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। नौकरी और कारोबार के मामलों में दिन आपका बहुत अच्छा होगा। नए लोगों से संपर्क होंगे। आज जो भी हासिल करेंगे वह आपकी मेहनत पर हासिल करेंगे और आपकी तरक्की से जुड़ा हुआ रहेगा। सहजता और संतुष्टि आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देगी। किसी काम की कोशिश करेंगे तो बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपको किसी की मदद करने का अवसर भी मिलेगा। जरूरी मामलों पर पार्टनर से राय ले। पिता से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और उपाय के रूप में गाय को हरी घास या सब्जी खिलाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। काम में मन लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपके सामने किसी न किसी तरह की मांग रख सकते हैं। ऐसी स्थिति के लिए आप तैयार रहें। साथ ही कुछ ऐसा अवसर भी आपको प्राप्त होगा जो आप कई दिनों से जिसका इंतजार कर रहे थे। घर परिवार के लिए सामान की खरीदारी हो सकती है। यात्राओं का योग बन रहा है। दूर स्थान पर रहने वाले लोगों से चर्चा होगी। भाग दौड़ रहेगी। कुछ लोग आपके ऊपर फालतू का गुस्सा भी निकाल सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप गुलाब का फूल भगवान शिव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। उलझे हुए मामले आपके सामने साफ हो जाएंगे। आपके काम भी पूरे होने लगेंगे। आपको अपनी भावनाओं के आधार पर ही सफलता मिलेगी। पैसा कमाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपका नजरिया पॉजिटिव होगा। आनंद से दिन व्यतीत होगा। समस्याएं सुलझेगी। कोशिशें आपको ही करना होगी। दिन भर फायदे के लिए कुछ न कुछ जतन आप करते रहेंगे। पैसों के निवेश की कोई योजना आप बना सकते हैं। आज आप कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। आपको किसी न किसी बात की खुशी भी रहेगी। इनकम और खर्चा बराबर रहेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। खाने पीने की चीजों की खरीदारी होगी। निजी सम्मान की चिंता आपको रहेगी। कोई समस्या आपके काम में रुकावट भी बन सकती है। किसी उलझे हुए मामलों को कल पर न टाले, इससे आपको ही नुकसान होगा। और उपाय के रूप में कोई भी लाल रंग का फल यदि हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। रुके हुए काम आपके शुरू हो सकते हैं। आपके सामने जो भी मौका आए उसे न गंवाएं। कुछ खास मुलाकातें आपके लिए फायदेमंद होगी। आप जितने लोगों से मिलेंगे उतनी ही प्रकार की अलग अलग बातें होंगी और आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति से आपको सही मदद या सलाह मिल सकती है। अपने साथ लोगों के प्रति आप ईमानदार रहेंगे, इससे आपके संबंध भी सुधर जाएंगे। आने वाले दिनों में आपको फायदा होगा। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों को आसपास के लोगों की मदद मिलेगी। आप अपने कामकाज में सफल रहेंगे। अधिकारी वर्ग से कुछ बहस, अनबन या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप शनि देव के मंदिर में जाकर के सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
आपकी जीवन शैली में बदलाव होने का योग है। कुछ दिनों पहले किए हुए अच्छे कामों का फायदा आपको मिलेगा। टेंशन कम होगी, करियर में आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, रुकावटें समाप्त होगी, ऑफिस और फील्ड में लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपकी परेशानियां कम होगी, कुछ अच्छे बदलाव के दौर से भी आप गुजरेंगे, कुछ नए विचार भी आपके दिमाग में आ सकते हैं, आज आप नई योजनाएं बना सकते हैं, मेहनत का फायदा भी आपको मिलेगा, किसी और को इसका जो है पता भी नहीं चल पाएगा, पिता से मदद मिलेगी, कोई खास काम करने के पहले आप अपने घर के पूर्वजों को प्रणाम जरूर करें, विदेश यात्रा या दूर स्थान की यात्राओं की योजना बन सकती है और दूर स्थान के लोगों से कोई लाभ या अच्छे संकेत या अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं। उपाय के रूप में किसी भी गरीब बच्चे को यदि आप दूध पिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। अपनी सोच और व्यवहार सकारात्मक रखेंगे तो आपको जो है अपनी उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्त होगा, कुछ नए अनुभव आपको मिलेंगे, खुद को लचीला रखेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, अधिकारियों से बातचीत होगी और बिजनेस के सौदों में गंभीर अंदाज आपका रहेगा, आप हर बात को गहराई में जानने की कोशिश करेंगे और अपने सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे करवाने का प्रयास भी करेंगे, इसमें आप सफल हो जाएंगे। कारोबार से जुड़ी कुछ कठिन परेशानी सुलझने का योग है, रुके हुए उलझे काम निपट सकते हैं, किसी मामले पर जरूरत से ज्यादा जिद न करें, आपकी परेशानी दोस्तों से आप शेयर कर सकते हैं, थकाने वाला दिन रहेगा, आपको कुछ न कुछ नया अनुभव प्राप्त होगा, कुछ नए लोगों से मुलाकात भी आपकी होने वाली है और उपाय के रूप में गाय को गुड़ और रोटी खिलाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। करियर में आपकी उम्मीदें और संभावनाएं अच्छी रहेगी, जिस चीज के लिए आप काफी समय से कोशिश करते आ रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, आपके मन में जो नई और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके लिए तैयारी आप शुरू कर दें, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहेंगे तो बहुत हद तक सफल हो जाएंगे, मेहनत कम और एकाग्रता ज्यादा रखनी होगी, पैसों की स्थिति में सुधार होगा, भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, पैसों के क्षेत्र में कुछ तनाव या दबाव भी आपको महसूस होगा, काम धंधे में थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान भी हो सकता है, गलत तरीका या शॉर्टकट यूज करने की कोशिश बिल्कुल न करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है, और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के आसपास यदि आप सफेद रंग का धागा लपेटेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दिन भर आपको शारीरिक तथा मानसिक फुर्ती रखना चाहिए, प्रेमी या जीवन साथी से संबंध और गहरे हो जाएंगे, कोई नया काम करने का मन आपका बनेगा या चलते काम को नए तरीके से करने का विचार भी आपके दिमाग में उत्पन्न होगा, कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, आपसी संबंधों के कारण आपके कुछ बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं, अनचाही स्थितियों को समाप्त करने की कोशिश भी आप कर सकते हैं, किसी धार्मिक सामाजिक या फिर पारिवारिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं, इनकम को लेकर के पुराना डर भी आपका समाप्त हो सकता है, भाइयों से मदद मिलेगी, काम धंधा बढ़ाने के लिए मेहनत और नतीजा आपके पक्ष में रहेगा, और उपाय के रूप में यदि आप थोड़े सी जो है बादाम खा करके घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। काम से जुड़ी प्लानिंग आपके द्वारा होगी, सफलता भी प्राप्त होगी, एक काम समाप्त होते ही दूसरे काम की प्लानिंग बनाना आप शुरू कर देंगे, जल्द ही आपको कुछ अच्छे अवसर भी मिलेंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कल तक जिस समस्या को लेकर के आप परेशान थे वह आपके लिए मामूली हो जाएगी, पैसों की समस्या का सामना यदि आप कर रहे हैं तो उसमें राहत मिलेगी, आप सफल हो जाएंगे, थोड़ी मेहनत और त्याग करके आप आगे बढ़ सकते हैं, घर या ऑफिस में कुछ नया करने का प्रयास भी कर सकते हैं, प्रेमी से मुलाकात और बातचीत करके उलझे हुए मामलों को सुलझा लेंगे, किसी को आपसे बहुत ज़्यादा भावनात्मक मदद की जरूरत भी रहेगी, और उपाय के रूप में आटे के अंदर हल्दी डाल करके यदि आप मछलियों को पानी में डालेंगे तो आपके लिए दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। परिवार के साथ बातचीत करके परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, किसी दोस्त या प्रेमी से आपको कोई वादा भी करना पड़ सकता है, परिवार के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, कुछ लोग आपकी कॉपी कर सकते हैं, आज आप अजीब तरीके से लोगों की मदद करेंगे, जरूरत पड़ने पर आपको भी मदद मिल जाएगी, कुछ लोगों को अपने मकान के लिए किराएदार भी मिल सकते हैं या मकान संबंधी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा, और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में नारियल जरूर चढ़ा देना, जिससे दिन आपका अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। परिवार के काम पूरे हो जाएंगे और आपके लिए फायदेमंद स्थिति निर्मित हो जाएगी। ऑफिस में आपके दिए गए सुझावों पर गौर किया जाएगा। नया काम धंधा विचार करने का मन होगा। कहीं पर व्यस्तता ज्यादा रहेगी और आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कुछ जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा। परिवार में कुछ रोचक बातें होगी। अपने आसपास होने वाले बदलावों को आप तुरंत महसूस कर लेंगे। यात्रा या कोई ड्यूटी आपको दी जा सकती है। इससे कुछ उलझन भी आपको पैदा होगी। खुलकर आप जो है सामने वालों से अपनी बात कर सकेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान भी निकल सकेंगे। आमतौर पर आपका नजरिया सकारात्मक रहेगा। और उपाय के रूप में सबसे पहले जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने कुल के देवी देवताओं का मन में स्मरण करके ही निकले, जिससे दिन आपका शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। नौकरी और धंधे में अच्छी घटनाएं घटित होगी। निवेश में धन लाभ होगा और धन और भावनाएं आज दोनों आपके लिए खास रहेगी। इसका असर आपके काम के ऊपर पड़ेगा। जल्द ही आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। शांत मन से काम करें, आगे अवश्य ही बढ़ जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप पीले रंग का कोई भी फल खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।